नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित ट्रांसपोर्ट गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे ट्रक आज के डेट में चलता है, बट सबसे ज़्यादा जिसकी मांग है आज मैं उसकी जानकारी आप लोगों को दे रहा हूं। दोस्तों, हमारे देश में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा छोटे गाड़ियों में चलने वाली ट्रक है पिकअप ट्रक, जो कि बहुत सारे वैरायटी का मार्केट में अवेलेबल है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूं इंट्रोडक्शन ऑफ व्हीकल, ट्रक की जानकारी, किस तरह की ट्रक है और इसका मार्केट में कितना मांग है, इसके रेट रेंज क्या है डिफरेंट सिटीज में इंडिया के अंदर, इसके साथ ही बिजनेस स्कोप और टाइप्स क्या है इस ट्रक के, कॉस्टिंग किस तरह का है, कितना आपका कॉस्ट आ सकता है इस ट्रक को चलाने में। इसके बाद दोस्तों फेयर डिस्टेंस वाली डिटेल्स, इसमें आपको पता चलेगा कि ये ट्रक कितने किलोमीटर चलने के बाद आपका फेयर कितना बनने वाला है, आपका पेमेंट कितना बनने वाला है और उसके अगेंस्ट में ऑलमोस्ट आपका खर्च कितना होने वाला है। इसके बाद आपको पता चलेगा इस वीडियो में कि इस ट्रक को रख करके आप महीने में कितना इनकम कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन की। तो पिकअप टाइप की जितनी भी ट्रक है, जिसे LMB के श्रेणी में रखा गया, लाइट मोटर व्हीकल के श्रेणी में रखा गया है, ये इंडिया का दूसरा सबसे ज्यादा लाइट मोटर व्हीकल चलने वाला ट्रक है, जो छोटे टाइप के ट्रक है। अगर मैं दोस्तों इसके पासिंग की बात करूं तो इसका जो पासिंग होता है वो 1.2 टन से लेकर के 1.7 टन तक होता है। दोस्तों, इस तरह का जो पासिंग का ट्रक है उसके अंदर आ जाता है आपका टाटा योद्धा पिकअप, अशोक लीलैंड दोस्त सीरीज की जितनी भी गाड़ियां हैं, महिंद्रा बलेरो मैक्सी ट्रक, महिंद्रा इंपेरियो, फोर्ज कार्गो किंग, ये ट्रक आपका पिकअप रेंज की ट्रक है और मार्केट में दूसरा सबसे ज्यादा चलने वाला लाइट मोटर व्हीकल ट्रक है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि ये ट्रक अगर आप खरीदना चाहते हो तो इंडिया के अलग अलग मार्केट में, इंडिया के अलग अलग मेट्रो सिटीज में आपको किस रेंज में मिल जाएगा, तो उसके हम बात करते हैं। अगर इसका स्टार्टिंग देखा जाए तो मुंबई में तकरीबन 6.8 लाख में ये एक्स शोरूम प्राइस है। इसके साथ ही अगर हम दिल्ली की बात करें तो तकरीबन 5.3 लाख एक्स शोरूम प्राइस है। कलकत्ता की बात करें दोस्तों तो 6.1 लाख एक्स शोरूम प्राइस है। बेंगलोर में दोस्तों 5.8 लाख और इसी के साथ चेन्नई में 6 लाख। तो दोस्तों ये सारे जो रेट है ये इसके एक्स शोरूम प्राइस है। अगर मैं दोस्तों इसके यूज ट्रक की बात करूं तो तकरीबन 1.6 लाख में ये ट्रक मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, जो कि एक कंडीशनल ट्रक होता है और आपको चलाने के बाद ज़्यादा मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं होती है। इसके टायर और इसके इंजन्स वगैरह, इसके बॉडीज वगैरह सारे अप टू डेट होते हैं, कहीं से भी ज़्यादा फॉल्ट नहीं होता है। तो दोस्तों, जैसा मैं आपको बताया था कि इंडिया का दूसरा सबसे ज़्यादा LMB सीरीज में चलने वाला ट्रक है, इसके साथ ही दोस्तों ये ट्रक आज के डेट में इंडिया की जितनी भी लॉजिस्टिक कंपनीज है, चाहे वो ओम हो, वी ट्रांस हो, TCI हो, इस तरह की जितनी भी लॉजिस्टिक कंपनी है वहां पे ये ट्रक अवेलेबल होता है, वहां से आपको बिजनेस इस ट्रक के लिए मिल जाता है। इसके साथ ही दोस्तों आपको पोर्टर या लाला मूव के थ्रू, जहां भी पोर्टर और लाला मूव का आज के डेट में सर्विस है, इस ट्रक के लिए उस सिटीज में हमेशा लोड अवेलेबल होता है। सबसे ज्यादा दोस्तों लोकल रिटेल में चलने वाला ये ट्रक है। रिटेल की मैं बात करूं तो जहां पे रिटेल बिजनेस होता है, जैसे बहुत सारे शॉप पे आप देखते होंगे कि होम डिलीवरी सर्विस होता है सामान का, तो वहां पे भी ये ट्रक सबसे ज्यादा मूव करता है। इसके साथ ही दोस्तों उड़ान और निंजा कार जैसी कंपनी में हमेशा इस ट्रक के लिए लोड अवेलेबल होता है। उड़ान और निंजा कार जैसी कंपनी को हमेशा इस ट्रक का रिक्वायरमेंट होता है। इसके साथ ही दोस्तों आप इसको लोकल में सेंड और TMT के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर सकते हैं। सेंड और TMT मतलब बालू और सरिया के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस ट्रक का यूज आप कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप इस ट्रक को लास्ट माइल मूवमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं।
लास्ट माइल मूवमेंट क्या होता है इससे रिलेटेड मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, वहां पर मैंने सारे डिटेल्स बता रखे हैं कि लास्ट माइल मूवमेंट होता क्या है। इसके साथ ही दोस्तों आप इसको फर्स्ट माइल मूवमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। लास्ट माइल और फर्स्ट माइल मूवमेंट ज्यादा करके जितनी भी ई-कॉमर्स कंपनी होती है उन लोगों को सबसे ज्यादा इसका रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, स्नैपडील हो गया, मंत्रा हो गया, इस तरह की जितनी भी कंपनी है उसके लिए ये ट्रक काम करता है। इसके साथ अब बात करते हैं दोस्तों कोस्टिंग की, तो इस तरह के ट्रक का जो पर किलोमीटर फ्यूल माइलेज होता है वो होता है तकरीबन 17 किलोमीटर पर लीटर। इसी के साथ दोस्तों अगर हम पर टायर कोस्ट की बात करें तो आपको पर टायर कोस्ट इस तरह के ट्रकों का लगभग 3000 रुपए में मिल जाता है, जो कि 70,000 किलोमीटर तक रन कर सकता है। परमिट कॉस्ट की बात करें दोस्तों तो तकरीबन आपको 18,000 में इस तरह के ट्रक का परमिट मिल सकता है। इंश्योरेंस की बात करें तो तकरीबन 19,000 में इंश्योरेंस मिल सकता है। फिटनेस की बात करें तो दोस्तों 3,000 रुपए का खर्च आता है फिटनेस बनाने का। ड्राइवर सैलरी, अगर आप ड्राइवर रख करके अपना ट्रक चलवाते हो तो तकरीबन 12,500 रुपए का आपका कॉस्ट आने वाला है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें मेंटेनेंस का, तो इस तरह के ट्रक को चला करके आपका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो तकरीबन 0.75 रुपीज पर किलोमीटर आने वाला है। अदर कॉस्ट की बात करें तो दोस्तों 0.40 पैसे पर किलोमीटर कॉस्ट आपका आएगा। वहीं पे अगर हम ईएमआई की बात करें तो ईएमआई दोस्तों आपका तकरीबन 3.30 रुपए से लेकर के 5.25 रुपए तक हो सकता है। खर्चे दोस्तों मैंने बता दिया है सारे के सारे, तो उसके हिसाब से आपका कॉस्टिंग क्या होगा वो आप निकाल सकते हो। डिस्टेंस वाइज किलोमीटर में आपका इनकम कितना होने वाला है उसकी जानकारी अब मैं देता हूँ। दोस्तों अगर ये ट्रक आपका 5 किलोमीटर तक चलता है तो तकरीबन आपको मिलता है 800 रुपए। वहीं पे अगर 10 किलोमीटर तक अगर ये ट्रक रन करते हो तो आपको मिलता है 900 रुपए। वहीं पे अगर आप 15 किलोमीटर रन करते हो तो 1,000 रुपए। 20 किलोमीटर तक रन करते हो तो 1,200 रुपए। 30 किलोमीटर तक रन करते हो तो 1,500 रुपए। 50 किलोमीटर तक रन करते हो तो 2,000 रुपए। 75 किलोमीटर तक रन करते हो तो 2,600 रुपए। और 100 किलोमीटर तक रन करते हो तो तकरीबन 4,000 रुपए आपको मिल जाते हैं। मैंने आपको आपका कॉस्टिंग बता दिया है, तो इससे आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आपका मंथली इनकम कितना हो जाएगा। तो अगर आपके पास सीएनजी ट्रक है तो आपको मंथली तकरीबन 55,000 रुपए का इनकम हो जाएगा। वहीं पर अगर आपके पास डीजल ट्रक है तो इस कंडीशन में आपको तकरीबन 65,000 रुपए का इनकम हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी महिंद्रा पिकअप या पिकअप जैसे जितने भी ट्रक है उससे रिलेटेड। आपको कौन सा पार्ट इसमें सबसे बेस्ट लगा है मुझे कमेंट में लिख करके बताइए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।